मैं गन्ने की खेती करता, मेरा बाप गन्ने की खेती करता मर गया, मेरे बाप का बाप गन्ने खेती करता मर गया। आज लो मारे वो मारा गन्ने के फसल से कर्जा नहीं उतरा, जो किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ वो कर्जा नहीं उतरा, रुक जाओ जी, जो किसान क्रेडिट कार्ड वो कर्जा तारा नहीं गया। देखिए आप इस पर्ची को देखिए गौर से, ये देखिए इस पे आपको रेट बिल्कुल 0-0 मिलेगा। योगी सरकार में 0-0 मुलायम सिंह और मायावती के टाइम का आपको पैसे मिलते थे। 40 रुपए बढ़े, 40 रुपए बढ़े थे, 40। सुनो, पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ, बुढ़ाना के पास में बसाना मिल पड़ता है जिला मुजफ्फरनगर में, भुगतान नहीं हुआ पिछले साल का। सुनो मिल लो मोली से ली, हम गन्ना भर कर ले जा रहे 20 क्विंटल, मारा गन्ना हो रहा वहाँ 18 क्विंटल, 2-2 क्विंटल की बिल में कटोली मंत्री कर जा सुरेश राणा, हम कह रहे सुरेश राणा कर जा मंत्री। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर से और तमाम किसान मेरे साथ मौजूद हैं। गन्ना पता है आपको? नहीं पता तो आपको बताऊंगा मैं अभी, और 0-0 पर्ची का भी हाल बताऊंगा। ये तमाम किसान इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, ये खुद बताएंगे कि गन्ने की खेती करना, लोग कहते हैं गन्ने की खेती करो तो माला माल हो जाओगे, लेकिन वो गन्ना जब बड़ा हो जाता है खेत में, जब उसकी पूरा टाइम जब गन्ने का हो जाता है और जब किसान उसको मीलों में लेकर जाता है, क्या हाल होता है उसके साथ, आइए जानते हैं इन तमाम किसानों से। क्या कहेंगे सर जी, गन्ने की खेती करना पाप है क्या? हाँ पाप होगी। कैसे? गन्ने की खेती करना पाप, सब तो पहले सुन लो मेरी बात। भारत जिला मुझे पढ़ने कर, मेरा गांव रोहाना खुर्द पड़ता सहारनपुर की सीमा पर, मैं गन्ने की खेती करता, मेरा बाप गन्ने खेती करता मर गया, मेरे बाप का बाप गन्ने खेती करता मर गया। आज लो मारे वो मारा गन्ने के फसल से कर्जा नहीं उतरा, जो किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ वो कर्जा नहीं उतरा, रुक जाओ जी एक मिनट, जो किसान क्रेडिट कार्ड वो कर्जा तारा नहीं गया। जबकि सुनो मैं एक चीज और बताना चाहूँ आपको, एक कोऑपरेटिव सहकारी समिति होती है, मैं कोऑपरेटिव सहकारी समिति का सभापति भी हूँ इस वर्ष। मुझे मेरे किसान भाइयों ने निर्विरोध डायरेक्टर चुना और निर्विरोध कोऑपरेटिव सहकारी समिति का चेयरमैन चुना, वो भी बताऊं आपको बात। आपने गन्ने की बात पूछी, इस जब से योगी सरकार आई यानी उत्तर प्रदेश में पहले तो जंगली जानवर जो थे, जंगली सुअर, नील गाय, हलाने दुनिया भर के जानवर उनसे ही दुखी थे, लेकिन अब जा जो उनसे हमारे पछड़े सचड़े थे वो भी दुकाजा करिए, किसी ना बेचे, कोई बोल की ना खरीद दे तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, गौशाला का हरे गौशाला खुलवा दी। वे पछड़े मारी खेती कार्य करने की एक दुश्मन हम और दे दिया। अब तीसरी बार जाओ, पिछले 4 साल से 1 रुपया भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। अब आप कहोगे ये आपकी बात झूठ है, आप कहोगे आपकी बात झूठ है, ये मैं आपके सामने पर्ची ले रहा हूँ, ये आप देखो इस पर नाम क्या लिख रहा है, मेरा पूरा एड्रेस लिख रहा है, नहीं मेरा नाम है, मेरा गांव है, मेरा कोड नंबर है, मेरा खाता नंबर है। आप रेट देख लो कौन सी तारीख को मैंने डाल ली, रेट देखो क्या है, रेट जीरो, रेट जीरो है। मतलब देखिए आप इस पर्ची को देखिए गौर से, ये देखिए इस पे आपको रेट बिल्कुल 0-0 मिलेगा, ये देखिए ये रेट आपको बिल्कुल 0-0 जी। ऐसा क्यों है? इनका पूछा बताओगे हमें क्यों है? देखिए सरकार तो लगातार आप लोगों के हित के बात कर रही है कि भाई हम किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है भाई? इस बारे में तो इनका पूछो, भाजपा वालों से, योगी सरकार से पूछो। योगी सरकार से पहले और भी तो सरकारें थी, और सरकार थी मुलायम सिंह की सरकार थी, 40 रुपए का रेट बढ़ा था। और सरकार थी मायावती की सरकार थी, 40 रुपए का रेट बढ़ा। मायावती मुलायम सिंह की सरकार में आप लोगों को रेट मिला था गन्ने का? रेट मिला गन्ने का। तो योगी सरकार में क्या दिक्कत है? आप क्या घोर क्या दिक्कत है? 0-0 योगी सरकार में 0-0 मुलायम सिंह और मायावती के टाइम का आपको पैसे मिलते 40 रुपए बढ़े, 40 रुपए बढ़े थे, 40। सुनो एक बार बताइयो, हरियाणा
हरियाणा के बीच में मेरे गांव के बीच में 90 किलोमीटर है कुल, ठीक है, 90 किलोमीटर दूर में हरियाणा से मेरा गांव पड़ता है रोहाणा कुंड जिला मुजफ्फरनगर में सहारनपुर की सीमा पर। वहाँ 260 रुपए, यहाँ जीरो, वहाँ के सुनो हरियाणा की वहाँ के, अरे यार रुक तो जाओ, वहाँ के गन्ने में भाई समझ में नहीं आ रहा कौन सा मीठा लिख दो जो वहाँ 260 और हमारा गन्ना जो 0-0। सरकार तो दोनों तरफ भुगतान, पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ, बुढ़ाना के पास में बसाड़ा मिल पड़ता है जिला मुजफ्फरनगर में, भुगतान नहीं हुआ पिछले साल का, बहुत मिल है इसे। और क्या क्या समस्या है? एक तो पैसे की समस्या हो गई आप लोगों की कि आपको पैसा टाइम से नहीं मिलता है, पर्चियों पे 0-0 है, गन्ने का रेट आप लोगों को नहीं मिल रहा है, और क्या किसान गन्ने का जो गन्ने की जो खेती कर रहे हैं किसान उनकी और क्या क्या समस्या है? गन्ने की खेती करने वालों की समस्या सबसे बड़ी भाई अब खाद कूट मिल भी जाता, इन्होंने उनको कह दिया अब खाद भी नहीं मिलने का, यूरिया फलाना, अब किसान को यूरिया खाद जब मिलेगा जब वो अपने गुंथे लगावेगा, मतलब मारा तो किसानों का दिल। अंगूठे कहाँ लगाएगा? अंगूठे लगाने पड़ा वहाँ दुकान में बजाएगा, एक बात तो बताओ, जब हमने जेब से पैसे दे दिए दुकानदार ने कहा मेरा कट्टा 270 रुपए का, हमने 270 रुपए कारगर मेहमान को दे दिए, ठीक है, हमारा गुंटा का आगा लगा, किसका लगा गुंटा? खाद भी आधार कार्ड से मिलता है जी, ये यहाँ पर जी, ये खाद भी लेने जाओ ना तो आधार कार्ड से मिलता है, 10 रुपए का फायदा करेगी सरकार, अंगूठा पहले लगवाएगी, आधार कार्ड है तो ला, बिना आधार कार्ड के कोई सिस्टम नहीं नहीं है, तो ये तो सही है ना फिर डायरेक्ट। सुनो मिलों में कर, सुनो मिलों में कर, तोली चली हम गन्ना भर के ले जा रहे 20 क्विंटल, मारा गन्ना हो रहा वहाँ 18 क्विंटल, दो दो क्विंटल की बिल में कटोली मंत्री का ध्यान सुने सरना भाई, भाई साहब मारा दुर्भाग्य है मेरे जिले से गन्ना मंत्री आवो जिसका नाम है सुरेश राणा, मेरे गाँव तो 63 किलोमीटर दूर का हुआ। राणा जी से नहीं मिले आप? किस तो राणा जी से नहीं मिले? मुझे कहा जरूर राणा से मिलने की, क्यों प्रॉब्लम तो आपको ही है ना, जब गन्ना में जे रहा तो बिल वाले का, हम यहाँ पे वहाँ गठतोली चल रही, वहाँ जा रहा आज को वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है उस सवाल की सुनवाई हो सको वो भी क्यों, अगर मेरे सिर पर टोपी या लुका आलोक भाई थोड़ा बहुत मतलब गठतोली बहुत खुला भी चल रही, वो जो वजवान साहब आज ही गन्ना युक्त बना बैठा है लखनऊ में, उसका क्या नाम भूस रेड्डी मुख्यमंत्री कुर्सी का निश्चय राजवान साहब, उन मिल वालों पर गठतोली के नाम के पैसे खा लिए। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम लगा रहा मैं झूठ बोल रहा, चकिंग करवा लो मैं साबित कर दू इस बात को, ये पुली मेरी इसमें मैं पुली भर कर रहेगा था बावन पुली को लू में गेरू तो 22 क्विंटल हो, ठीक है, कंटे में मिल में कितने और मिल में हो 18-18.5। बड़ा घोटाला भाई साहब, एक बात बताइयो मुरार नगर हो रहा है जी थोड़ी दूर 25,000 आदमी मर के घोटाला नहीं हो, जो लास्ट समय घोटाला हो सका 25 आदमी मर के गन्ने में, तब ढेर बड़ी बात मान ले। और क्या समस्याएं हैं? समस्या ही समस्या जिस दिन था सरकार बनी नहीं, छोड़ भाई 2-4 हजार रुपए का बछड़ा बेच रहे थे वो खत्म, उन हमारी खेती खाली और ऊपर तक दुर्गति, रात को पहरे देने पड़ रहे पुलिस की, सुन लो उत्तर प्रदेश पुलिस की टांगों में गोली मार कर अखबार में छपवा दिया, अखबार बदमाश का गोली मार दी, हमने ढेर बड़ा काम कर दिया और रात को भाई टोल 12 का मोटर चोरी होगा, मैं खुद भूत भोगी अगर झूठ बोल रहा हूँ 4 साल के भाई यार एक मिनट हम जाओ जी, 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 थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर मां मेरे संजीव उर्फ राम गोपाल के नाम से FIR है अभी पिछले महीने की दिसंबर की, मेरी 12 बदल मोटर चोरी हुआ, इस वर्ष चंद फौजी की 12 बदल मोटर चोरी हुआ, अशोक साहनी की 12 बदल मोटर चोरी हुआ, सोनबीर पाल की मोटर, व्यवस्था सारी अस्त व्यस्त है, 12 मोटर चोरी हुए पुलिस का रही कर रहे चौपटा, पूरा जंगल राज है जी, क्या जी योगी राज में पूरा जंगल राज है, योगी राज तो अच्छे प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा प्रदेश बन रहा है, हाँ मुझे बता दो आप गिनवा दो भाई उनके काम, सारी बस सेवाएं शुरू करी हैं, बस सेवाएं पहले का आदर्श स्कूल बना रहे हैं, पहले क्या पैदल चले करे या पहले पढ़ते नहीं थे लोग, कौन से स्कूल में उद्घाटन हुए बताओ, आप कोऑपरेटिव शाखा समिति सुन लो, एक सहकारिता सुनो
सुनो, एक सहकारी विभाग होता है, कोऑपरेटिव सहकारी समिति। मेरे जिले में 54 सहकारी समिति है। मैं अपनी एक सहकारी समिति बेहड़ी जिला मुजफ्फरनगर का सभापति हूँ पिछले 4-3 साल से। अपने किसानों का ब्याज जमा करवाता हूँ। क्या सहकारिता मंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में ब्याज जमा नहीं करवा सकता? जब मैं अपनी छोटी सी कोऑपरेटिव सहकारी समिति का एक छोटा सा सभापति, 15 गांव का सभापति, अपनी सहकारी समिति, लेकिन कैसे हुई वो 14 लाख आशीर्वाद से हुई। मैंने जब उन्हें कहा कि आज ही सिर्फ ब्याज जमा होगा, तो बैंक मैनेजर ने, मेरे MD ने, सचिव ने, जो मेरा अधीनस्थ सचिव, उसने कहा कि लगा ये नहीं होगा। वहाँ मेरा राकेश टिकेत जी से मिला, राकेश टिकेत जी ने बैंक सेक्रेटरी को धमकाया। मैंने 7 घंटे कोऑपरेटिव बैंक का ताला दिया। मैंने कहा कोई पैसा जमा नहीं होगा यहाँ, जब जाएगा वहाँ ब्याज जमा हुआ। क्या सहकारिता मंत्री की ड्यूटी नहीं बांटती? पूछो सहकारिता मंत्री से कि कोऑपरेटिव सहकारी समिति कितना उत्पात मचा रखा, कितनी लूटपाट मचा रखी। मुझे पता, मैं ओंडा रिकॉर्ड बताऊंगा। बताओ कि सुनो, मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री को कि आप आमने सामने बैठते, मेरे आपकी सामने डिबेट हो। वो एक पूरे प्रदेश का सहकारिता मंत्री है, मैं एक छोटी सी कोऑपरेटिव सहकारी समिति का सभापति हूँ। मेरे किसानों से पूछो और फिर उसके प्रदेश के किसानों से पूछो। मैं वही पूछ रहा हूँ, उत्तम प्रदेश बनाने का जो इतना बड़ा सपना योगी जी ने दिखाया था पब्लिक को, उत्तर प्रदेश की पब्लिक को, लगातार इतनी सारी सीटें दी उन्होंने, क्या वो सपना पूरा नहीं हुआ है? योगी कहाँ काल हो जाएगा, योगी कहाँ काल हो जाएगा, योगी के नीचा जोन से यहाँ बेईमान, इन बेईमान लोगों को कौन देखेगा? इन बेईमान लोगों, सुनो, इन बेईमान लोगों को भारतीय किसान यूनियन, बाबा टिकैत की फौज, अगर ये ज्यादा नहीं मान लेंगे तो सांता, हमारे पास सांता, 3 साल हुआ सांता, वो बाबा का दिया हुआ सांता आज भी हमारे पास, खाल तार दंगन की खाल, इन बेईमान लोग खाल तार लगे हम। और सुनो जी, मैंने आपके उस चैनल पर ऑन द रिकॉर्ड कहा, सहकारिता मंत्री को मेरा एड्रेस भी दे दिया, गाँव रोहड़ा खुद जिला मुजफ्फरनगर, बेड़ी कोऑपरेटिव सहकारी समिति का सभापति हूँ, निर्विरोध बनाया मुझे मेरे किसानों ने, डायरेक्टर भी और चेयरमैन भी, और ये मंत्री निर्विरोध नहीं बनाया। ये बैठता डिबेट हो और फिर पूछो पूरे प्रदेश के किसानों का इनने क्या दिया। तो ये देखिए, गन्ना किसानों का दर्द है, कुछ और लोग भी है जी। आप गन्ने के बारे में बता रहे थे, पूछ रहे थे, 4 साल हो गए, 1 रुपया नहीं बढ़ाया, जो 7,500 रुपया हमारे 10 आसपास के कुएं के 12 का जाता ना, आज 23,000 रुपए जा रहा। डीजल के रेट बढ़ा दिए, खाद के बढ़ा दिए, दवाई के बढ़ा दिए, और 4 साल में 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया, और 2.5 महीने से ज्यादा हमारे मिल को चलो हो गए, आज तक रेट घोषित नहीं करा, पिछला रेट भी नहीं बता रहे कि वो भी लगाया क्या भी लगा, 0-0 आ रहा, मुंह पर डाल ले। 4 साल में हमारा 3,000 रुपए 1 बीघे पर खर्च पड़ा, 1 बीघे गन्ने पर 3,000, छोटा सा छोटा काशकार 12 बीघे का, 10 बीघे का है, 30,000 का हमारा नुकसान कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, और 2,000 हमें दे दिया, 28 हमसे ले लिया उन्होंने, तो हमें फायदा दिया या अपना फायदा करा? ये देखिए, परत दर परत कहीं ना कहीं, चाहे वो तेल का भाव था उस टाइम पर, तेल 20 रुपए बढ़ गया, 145 रुपए डॉलर था उस टाइम पर, आज 45 रुपए डॉलर है, 20 रुपए बढ़ा दिए तेल, कम से कम आज 30 रुपए लीटर होना चाहिए था, जिस हिसाब से कच्चे रेट के तेल बढ़े घटे हैं। अच्छा, बिल, घर का बिल हमारा 200 रुपए था, आज 1,000 रुपए, कुएं का बिल हमारा 7,500 रुपए का जाता साल का, आज 23,000 रुपए, घर का बिल अलग देंगे, घर घेर का अलग देंगे, कुएं के देंगे, 20 बीघा का काशकार से साल से बिल नहीं दिया जाने का, तो खा पका क्या हो, ये महंगाई कहाँ पर? एक मिनट, हाँ जी बताइए। किसानों पर अब जो अधिनियम जो बिल ला रहे थे उस पर, अगर एक भैंस से ज्यादा रखेगा किसान तो उसे व्यापारी माना जाएगा, कॉमर्शियल बिल लगवा, एक भैंस से ज्यादा, हाँ एक भैंस से ज्यादा पर कॉमर्शियल बिल देना पड़ेगा, कॉमर्शियल मीटर लगवाओ, बताओ भैंस के साथ में तो कटना आवे। अलग अलग खुलासे ऐसे आपने नहीं सुने होंगे, और ये खुलासे आप किसान के बीच में आके सुन सकते हैं जी। एक भैंस से अगर 2 भैंस भी पाल ली ना तो कॉमर्शियल मीटर लगवाना पड़ेगा, यू आदेश है। अब तुम बताओ क्या भैंस के साथ में कटरा तो आता ही आता है, आता है नहीं आता है? बताओ, बिना कटरे के भैंस दूध दे देगी?
बताओ। तो ये योगी और ये मोदी बैठे हैं ना, ना तो इन्होंने कभी भैंस पाली, ना इन्होंने कोई घर चलाया, ना कोई ना कभी खेती करी, ये क्या जाने। योगी जी ने तो गोरखपुर में इतनी बड़ी गौशाला है उनकी, है कि गौशाला है भाई है? एक भी आ रहे से बताओ, कहाँ है गौशाला? दुनिया जी देखे, अलग अलग युवा हैं, अलग अलग लोगों की राजी। देखो बीजेपी का कोई एक ऐसा बंदा बता दो जो क्या कहते हैं भैंस पाल रहा, गाय पाल रहा। किसान है हमारा जो देश का, क्या कहते हैं, वही ये सब कर रहा है और वही दूध दे रहा है। और उस दूध को क्या कहते हैं कि मतलब उसमें भी क्या कहते हैं इनको वो है ऑब्जेक्शन है कि भाई ये क्या कहते हैं दूध का हलवा क्यों खा रहे। अरे भाई क्यों ना खाएं भाई, गाजर हम पैदा कर रहे हैं, क्यों ना खाएं हम भाई? तुम खिलाओगे क्या? हम तो खा रहे, हम तुम्हें खिला रहे, तुम साले हमारा खा रहे सारे। भाई तुम तो विदेशा खा लोगे। किसान अपने बैलों से हल चलाता था, ठीक है, और बैल अपना छोटा बच्चा उसका साला वो बिक भी नहीं सका। तुमने यूं कहा कि भाई तीन बिल में क्या परेशानी है भाई? तुमने कहा क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि भैया क्या कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हमारी जमीन लेगा उसमें क्या कहते हैं अंदर आपको पता बैंक में जाते हो, किसी भी बैंक में आपने क्या कहते हैं अपना अकाउंट खुलवाया, उसमें इतने सारे नॉर्म्स होते हैं उसके फॉर्म में, आपको एक आधा जगह कहीं पे पॉइंट आप पढ़ नहीं सकते। वो कहते हैं आप इतना लिखो, साइन मारो, हम अपने आप कर देंगे। बाकी क्या है उसमें अंदर क्या है वो आपको नहीं पता, वो तब पता लगता है जब आप अगर उसका लोन ना चुकाओ तब आपको पता लगता है क्या क्या चीज़ है। तो अब ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारी सारी जमीन भी गिरवी वो रखेगा जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा, हम उसके खिलाफ साला वहाँ भी नहीं जा सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ये भी विकल्प नहीं था, ये संशोधन कराए हमारे नेताओं ने। मैं बताऊँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, उसे 10 साल से ठेका होगा किसान से। आपने बिल पढ़ा है? मैंने पढ़ा है उसमें ठेका होगा, ठेका खेती, लेकिन उसमें प्रावधान तो ये है ना अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। वो तो करना ही पड़ेगा भाई, वो तो करना ही पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी कैसे? उससे पहले, अरे उससे पहले एक बिल वो आया है क्या, मंडिया है ना, मंडिया खत्म करो, उसके लिए प्राइवेट मंडी तैयार कर दी, जो मंडिया पहले से चली आ रही है उसके बराबर में समानांतर प्राइवेट मंडियां इन्होंने खोल दी। अब प्राइवेट मंडी वाला क्या करेगा, वो तो बेचारा टैक्स देवे सरकार को, तो किसान का 1700 में खरीदेगा, यू कहेगा मैं तेरा 1750 में ले रहा हूँ प्राइवेट वाला। किसान यू कहेगा यार 50 रुपये महंगा बिक रहा, मैं तो वहाँ बेचूंगा भैया। वो एक फसल चलेगी, दो फसल चलेगी, तीन फसल, वो घर से थोड़ी किराया देगा मंडी का अपनी, जो बैठा आड़ती वो घर से थोड़ी खिलाएगा बाल को, कहाँ से खिलाएगा? जब आएगा नया किसान बेचने, पैदावार कहाँ होगी? 50 रुपये महंगा वो खरीदेंगे, हार थक के मंडी वाला अपना काटा वाट उठाएगा, भैया चल को धंधा कर लेंगे जाके, वो अपने आप ही बंद हो लेगी, अपने आप बंद हो लेगी, फिर इनका एक क्षेत्र राज हो जाएगा, इनका एक क्षेत्र राज हो जाएगा, फिर ये अपनी मर्जी से खरीदेंगे। और जब उनका जब एक क्षेत्र राज हो जाएगा फिर क्या करेंगे प्राइवेट मंडियों वाले कि वो ये 1700-1750 में खरीद रहे जो भाई बाबू जी हल्को है दानो जाकर तो जहाँ तो वो भैंस ओलावृष्टि होगी, थोड़ा तो टकेल दाना आगा, बहुत सारे रोग लग जावे ना फसल में, गेहूं में थोड़ा काला दाना भी आ जावे, कई बार जब ओले ओले पड़ जावे कुछ ऐसा मौसम हो जाता है, ये तो खराब है, ये तुम्हारा रेट का बिकेगा ही नहीं, इस रेट का है अपनी मर्जी से खरीदेंगे। स्टोरेज इतने हैं, जो दूसरा जो इन्होंने असीमित भंडारण वाला जो बिल है वो अलग बना दिया है, उससे खरीदेंगे ये सालों भर के गोदाम करेंगे, और जैसे नुकसान कहीं ना कहीं आपका है, जैसे किसान के घर का माल सब खत्म हुआ उसके बाद ये वहाँ से जाम कर देंगे माल को, जाम कर देंगे जो कंज्यूमर है भाई। किसान खेती वाला तो अपना रखेगा खाने को साल भर को, जो रोज की तनख्वाह लेके आएगा, रोज का आटा लेके जाएगा, लेने जाएगा, सबसे बड़ी समस्या तो उसके सामने आने वाली है, वो सबसे पहले मरेगा, किसान तो रख लेगा। कुछ और युवा जी, मेरा सिर्फ ये कहना है सरकार को कि भाई आप देखो क्या कहते हैं, जो काम आपको करने थे आपने एक काम नहीं किया, आप क्या कहते हैं उल्टे ये कानून लेके आ गए। आपको सिर्फ इतना करना था कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कमी थी कि स्टोर करने की ये FCI की, आप FCI के केंद्र रखते, आप स्टोर करते ना, आप जब इतना कर्जा दे रहे हो, बांट रहे हो, आप क्या कहते हैं इनको प्राइवेट क्या कहते हैं सेक्टर में इतना बांट रहे हो कर्जा, आप कह रहे हो किसान के मामले में आप कह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है भाई, इसको अडानी अंबानी देगा पैसा, वो इतने बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे, वो स्टोरेज करेंगे, उसको पैकेजिंग में बिग बाजार में बेचेंगे, वहाँ पे वही चीज़ हमें क्या कहते हैं जो हमें वो 10 रुपये की चीज़ है वो हमें 100 रुपये की मिलेगी, यानी 10 गुना, और ऐसी क्या कहते हैं हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है और यही कहना है कि भाई क्या कहते हैं हमारे किसान भाई जितने भी बैठे हैं, देखो मैं क्या कहते हैं किसान परिवार से हूँ लेकिन मैंने कभी खेती नहीं करी, सीधी सी बात है, लेकिन मैं इनका दुख
देख के मेरे पे तो रहा नहीं गया, मैं तो आया हूँ भाई आज। तो मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है सरकार से, क्या नाम है इनके नेताओं से, कि भाई आप क्या कहते हैं जल्दी जल्दी इस बिल को कैंसिल करके, और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं जो राकेश टिकैत जी और सारा किसान हमारा जो परेशान है उनकी तकलीफ को दूर करो, वो भी अपने घर जाएँ अपने आराम से रहें, क्योंकि एक दिन भी बाहर रहना ऐसी सर्दी में बहुत तकलीफ होती है, वो हमें पता है। तो गाजीपुर बॉर्डर से ये तमाम किसान थे, गाजीपुर बॉर्डर से तमाम किसान थे, अलग अलग राय है, गन्ना किसानों की आपने बात सुनी, तमाम और किसानों की भी बात सुनी, बिजली के मीटरों की भी बात सुनी, लगातार हर चीज़ों के नए नए खुलासे गाजीपुर बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से, तमाम जितने भी दिल्ली के आसपास के बॉर्डर हैं वहाँ से किसान लगातार खुलासा कर रहे हैं। और वो प्रशासन जो लगातार अच्छी शासन की बात करता है उसकी कहीं ना कहीं परतें खुल रही हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।